you <music> और अब खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ हंजला माविया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा ने कहा है कि नशा और अद्वियात के, के इस्तेमाल के खात्मे के लिए मौसर इकदाम बरएकार लाए जाएं इस सिलसिला में महकमा सेहत सोशल वेलफेयर महकमा तालीम स्पोर्ट्स दीगर मुतल इदारे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदान अपना किरदार अदा करें वो दफ्तर के कमेटी रूम में मनदा अजलास से खिताब कर रहे थे इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर सुमेरा रब्बानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उजैर डी एच ओ डॉ खालिद महमूद आरानी एम एस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर मुतल महकमों के अफसरान मौजूद थे उन्होंने कहा कि नशा और अद्वियात के इस्तेमाल से महफूज रखने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और इस बारे में लोगों का शौर उजागर के सोशल मोबलॉजेशन मुहिम शुरू की जाए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज़ में सेमिनार मनक़द किए जाएँ जिनमें माहिर नफसियात की खिदमत हासिल की जाएं नीज आगाही वॉक भी की जाए ताकि इन नशावर अद्व्यात के नुकसान से आगाह करके इनकी ज़िंदगी महफूज बनाई जा सके उन्होंने कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी बरकरार रखने और नशावर अदवात से बचाव के लिए खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग दिया जाए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ड्रग के इस्तेमाल से महफूज रखने के लिए सिविल सोसाइटी के अफ़राद अपना किरदार अदा करें उन्होंने कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर की जानब से ड्रग इस्तेमाल करने वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन की जाए ताकि इनके इलाज मुआवजा और बहाली के काम किए जाएँ इजलास में बताया गया कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में नशावर अद्वियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद के इलाज मुजा और बहाली के लिए दस बिस्तर पर मुश्तमल वार्ड्स कायम हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने बताया कि ड्रग इस्तेमाल करने वाले अफराद के इलाज मुलजा और बहाली के कामों के लिए बहावलपुर ज़िला में एक सेंटर के कयाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं